सेनापति याद लाए हूँ एक एक्साइटिंग वीडियो हर्षी के बारे में। हर्षी में एक मंदिर भी है, लेक भी है। हर्षी जो है लगभग 50 से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस है पुणे से, और एक दिन के लिए बढ़िया डेस्टिनेशन है, बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। तो ज़रूर यहाँ पर आप आइए और मेरा वीडियो कंप्लीट मेरा वीडियो देखिए, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है हर्षी के बारे में। ये हर्षी टेम्पल का फ्री पार्किंग एरिया है, काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपके वाहन पार्क कर सकते हो। नारियल के पेड़ दोस्तों, यहाँ पर आप एक कैंटीन देख सकते हो, और यहाँ पर एक छोटा गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ से स्टेप्स दिए गए हैं। ये स्टेप्स को आप चढ़ने के बाद में आपको पीछे जो मेन हर्षी का मंदिर है वहाँ पे आप जा सकते हो, या आप साइड से भी निकल के जा सकते हो। हर्षी झील सह्याद्री पर्वतों के बीच में स्थित है और यहाँ चारों तरफ से उनसे घिरी हुई है। यह मुंबई या पुणे से पहुँचा जा सकता है, और लोनावाला, कामशेट और हिंजवाड़ी से नज़दीक है। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं हर्षी मंदिर पर, और यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही शानदार है। जो बेस्ट टाइम होता है हर्षी घूमने का वो है जुलाई मंथ से लेकर फरवरी मंथ तक। हर्षी मंदिर उर्फ श्री सत्य साई पांडुरंग क्षेत्र मंदिर श्री शिवाजी राव जाधव ने 2009 में बनवाया था, और कहते हैं कि उसी साल में श्री सत्य साई बाबा ने शिवाजी राव जाधव से मुलाकात की थी। इस यात्रा में हजारों शिष्यों ने स्वागत किया था, और उन्हीं की तस्वीर मंदिर में भी देखी जा सकती है। मंदिर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है लगभग 300 एकड़ में फैला है, और मंदिर के सामने जो लॉन है वो 4 एकड़ में फैला है। यहाँ पर आप सत्य साई बाबा की तस्वीरें देख सकते हो, और यहाँ पर एक खूबसूरत साई बाबा की मूर्ति आप देख सकते हो। बहुत खूबसूरत लोकेशन पे ये मंदिर बनाया गया है। जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर की ओर जाते हो, वहाँ पर आप भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी के दर्शन कर सकते हो। आयुष जाधव आदना वेमी संत दर्शन मध्य काम करतो। आयुष जाधव है हमारे साथ में, ये हमें म्यूजियम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हर्षी में इस शानदार संग्रहालय में संतों और देवताओं की विशाल संरचना के बीच में आप एक लिलीपुटियन की तरह महसूस करेंगे। इस संग्रहालय में 1200 से ज्यादा संतों की और भगवानों की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियों का तराशने का काम जो है वो गणेश कुंभार जो हैं उर्ली कांचन से, उन्होंने किया है ये, और उनका जो काम है वो बहुत सराहनीय है। यहाँ पर आप गणेश जी की बड़ी प्रतिमा देख सकते हो। आप वाटरफॉल देख सकते हो, ये झरना है, मस्त झरना है। गुफा के अंदर से अभी हम जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो भगवान शंकर
और पार्वती माता की मूर्ति है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे आप नंदी देख सकते हो। चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या है। वाओ, क्या मस्त नजारा है। देख सकते हो आप यहाँ पे पेड़ वगैरह। अंदर एकदम खूबसूरत है, शांत वातावरण, एकदम ठंडा वातावरण है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर आप श्रवण कुमार की झांकी आप देख सकते हो। श्रवण कुमार ने अपने संपूर्ण जीवन में माता और पिता की सेवा में समर्पित कर दिया और मृत्यु पर्यंत उनकी सेवा करते रहे। अपनी इसी मातृ और पितृ भक्ति के कारण वह अमर हो गए। दोस्तों, ये है संत रविदास। संत रविदास की आप मूर्ति देख सकते हो। ये भक्त पुंडलिक, इनकी बड़ी मूर्ति आप देख सकते हो यहाँ पर। दोस्तों, ये हैं संत नामदेव, इनकी झांकी आप देख सकते हो। ये संत नानेश्वर, इनकी झांकी आप देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर एक झांकी देख सकते हो जहाँ पर संत चांगदेव जो है अपने शिष्यों के साथ संत ज्ञानेश्वर से मिलने आते हैं। कहते हैं कि चांगदेव को अपनी सिद्धि का बड़ा गर्व था। जब संत चांगदेव को पता चलता है कि संत ज्ञानेश्वर जो हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं, तो उनके चरणों में गिर के वो माफ़ी मांगते हैं। ये संत एकनाथ महाराज, संत एकनाथ जी महाराज असीम दया। ₹200 इसका टिकट है, लेकिन ये काफी वर्थ है। आपको एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत झांकी है। यहाँ पर आप संत गोराबा कुंभर की झांकी देख सकते हो। गोराबा कुंभर जो है वो भगवान विट्ठल के भक्त थे। अगर आपको महाराष्ट्रियन संतों के मूर्तियां या झांकियां आपको देखना है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो यहां पर आप विजिट कीजिए। यहां पर बहुत खूबसूरत झांकी बनाई गई हैं। और इनकी जानकारी आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, ऑडियो जो है वो चलता रहता है म्यूज़ियम में, तो आपको इसकी जानकारी भी मिलती रहती है। संत तुकाराम महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकी है यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत झांकी है। ये गजानन महाराज की मूर्ति, और यहाँ पे ऋषि मुनि खड़े हैं। श्री स्वामी समर्थ या अक्कलकोट के स्वामी, महाराष्ट्र के अक्कलकोट में दंत संप्रदाय के एक महान संत थे। उनकी मूर्ति आप देख सकते हो। यहाँ पे साई बाबा को देख सकते हो खाना पकाते हुए मटके में, और उनके जो समर्थक या उनके भक्त लोग खड़े हैं उनके साथ में। बाबा को देख सकते हो खाना बनाते हुए अपने भक्तों के लिए, खुद के लिए। और ये साईं बाबा,
और उनके भक्तों को देख सकते हो। यहाँ पे आप साईं बाबा का दरबार देख सकते हो, जो द्वारका माई जो बना हुआ है साईं बाबा मंदिर में, वो यहाँ पे भी एक ऐसा ही बनाया गया है। ये दरबार है साईं बाबा का, ये भक्त लोगों को देख सकते हो यहाँ पर बैठे हुए हैं। डिंडी बाबा, यहाँ पर संतों की सुंदर मूर्तिकला आप देख सकते हो। यहाँ पर ये गोकुल गांव जो है कृष्ण भगवान का, गोकुल गांव का चित्रण यहाँ पर किया गया है। गाय को देख सकते हो और भगवान कृष्ण की बांसुरी आप सुन सकते हो। ये मूर्ति है आगे। साईं बाबा की मूर्ति पीछे। और ये साईं बाबा की मूर्ति, यहाँ पर आप भगवान और माता की सुंदर मूर्तिकलाएं देख सकते हो। तो ये था संत दर्शन म्यूज़ियम जो हर्षी में है। मंदिर के दर्शन के बाद आप म्यूज़ियम के दर्शन ज़रूर कीजिए, बहुत ही सुंदर दृश्य है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे भी आप कुछ देख सकते हो। ये राधे कृष्ण झूले पे आप देख सकते हो। जो सत्य साई बाबा हैं, पुट्टपर्ती सत्य साई बाबा, आंध्रा में बहुत बड़ा आश्रम है उनका। वाटरफॉल्स आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है,
वैसे तो दो तीन रेस्टोरेंट्स हैं, आगे भी एक रेस्टोरेंट है। और ये यहाँ पे राइड्स वगैरह अगर आपको करना है तो काफ़ी सारा एडवेंचर्स यहाँ पे है। और यहाँ पे आप इनके प्राइस देख सकते हो, अलग अलग राइड्स के अलग अलग प्राइस हैं यहाँ पे, तो इनका भी आप आनंद ले सकते हो यहाँ पर आकर। और ये टिकट काउंटर जहाँ से आप इनका टिकट्स ले सकते हो। काफ़ी सारे एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, वैली ऑफ एडवेंचर्स राइड टिकट्स यहाँ पे, इनके प्राइस आप देख सकते हो। ग्राउंड है, और मैडम कैसा है, डरावना लग रहा है मैडम को। हॉट समर में मजे लेते हुए आज क्या वीक डे है तो यहाँ पे पर्यटक लोग बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे एडवेंचर्स एक्टिविटी हैं, जिप लाइन है, रोप वे है, स्काई साइकिलिंग है। यहाँ पर सराउंडिंग में पहाड़ देख सकते हो, सह्याद्री पर्वत। बेहतरीन वन डे पिकनिक स्पॉट है ये। यहाँ पर एक मंदिर है, लेक है, म्यूजियम है और ये एडवेंचरस एक्टिविटी। अब ये रॉकेट इजेक्टर के लिए रेडी हो रहे हैं, अब ये जाएंगे वहाँ पे इतनी हाइट पर, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। दोस्तों यहाँ पर एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, स्वरूप रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना मिलता है, यहाँ का जो खाना है वो बहुत स्वादिष्ट रहता है। वे इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं ये स्वरूप, और इनसे थोड़ा जानते हैं कि इस होटल में क्या स्पेशलिटी है, क्या मिलता है। साईराम, यहाँ का गांव का नाम है हर्षी और इस गांव का हर्षी साई टेम्पल, तो यहाँ साई बाबा का 2009 में सत्य साई बाबा के हाथों से विट्ठल जी की, गणेश जी की और शिरडी साई बाबा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले तो मंदिर था, फिर बाद में संत दर्शन बन गया, फिर लोगों के लिए बोटिंग बन गया और अभी सभी उम्र के लोगों के लिए यहाँ एडवेंचर पार्क भी बना है। तो इस एडवेंचर पार्क में हम ये खाने की सुविधा उपलब्ध करके देते हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा करके थाली भी मिलती है और स्नैक्स के सभी पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि पानी पूरी, भेल पूरी, मसाला डोसा, पाव भाजी, सैंडविचेस, जूसेस, मिसल, खास करके महाराष्ट्र में लोगों को पसंद है वो मिलती है। और खाने की सब चीज़ें साउथ इंडियन में मिलती है, नॉर्थ इंडियन में मिलती है, पंजाबी। कभी भी आप फ्यूचर में आएंगे, आपके खाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो आप जरूर ये बाबा के कृपा से आप सबका जितना हो सके उतनी सेवा करने का हम प्रयास करें। सही, हर्षी मंदिर से हर्षी लेक का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर है। मस्त व्यू देख सकते हो आप हर्षी लेक का। ये पीछे तिकोना फोर्ट, तिकोना फोर्ट पे घूमने के लिए कम से कम आपको आधे दिन का समय चाहिए। ट्रैकिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन स्पॉट है, वीकेंड पे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे आप बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हो। बोटिंग के अलग अलग चार्जेस हैं। पुणे के आसपास वन डे पिकनिक का बेहतरीन स्पॉट है। अपने फैमिली के साथ यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. दोस्तों यहाँ पर आप पौना लेक देख सकते हो, एकदम ब्लूइश वाटर। हर्षी लेक से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पौना लेक है और यहाँ पे काफी सारे रिसोर्ट्स हैं, होटल्स हैं, कैंपिंग की फैसिलिटी है। अगर आप कैंप करना चाहते हो, आप स्टे करके लेक का मजा लेना चाहते हो, बोटिंग का मजा लेना चाहते हो, तो आपको कैंपिंग की फैसिलिटी भी है। दोस्तों पौना झील जो है वो बहुत ही खूबसूरत झील है। यहाँ से आप तुंग किले का बेजोड़ नज़ारा देख सकते हो। दोस्तों ये था मेरा वीडियो हर्षी के बारे में। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल